हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग पीरियोडिक टेबल देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इन थेपी वो कम्प्लीट नहीं हो पाया था रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट वी विल टेक अप टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर तो हमने बात की थी ट्रेंड्स की तो ट्रेंड्स इन पीरियॉडिक टेबल हालांकि मैंने लिख दिया था फिर एक बार दोबारा लिखते हैं तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन टेबल अच्छा जब भी हम इस तरह की टेबल की बात करते हैं तो वी मेनली रेफर टू दी ब्लॉक तो लेफ्ट से राइट जाए टॉप टू बॉटम आए तो क्या ट्रेंड्स हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस बढ़ती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट मींस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द न्यूट्रल गैसियस एटम

इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर लेस रेगुलर देन दैट ऑफ देन दैट ऑफ आयोनाइजेशन एन थेलपी और आयोनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड थोड़े लेस रेगुलर होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मोर एक्सेप्शन विल बी ऑब्जर्व तो इसका मतलब एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यहां पर लेंगे जो आई टी जेई में इंपॉर्टेंट रहेंगे एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला एक्सेप्शन ही देखो ये है कि रेगुलर uh, ट्रेंड्स नहीं होते जैसे हम बात करें लिथियम बेरेलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल हमने क्या बोला लेफ्ट से राइट right जाने पर इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज बढ़ती हैं। बट बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही नेगेटिव हैजी इज अब्सॉर्ब्ड वेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड तो बेरिलियम इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एडिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड कॉन्फिगुरेशन अच्छा नोबल गैसेज तो सभी लीस्ट इंटरेस्टेड हैं टू ऐड द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो दे आर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी डिस्टर्ब सो इट इज नॉट इंटरेस्टेड नियन इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एडिंग इलेक्ट्रॉन तो ये एक्सेप्शन तो होगा इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर द फॉलोइंग नोटेबल एलिमेंट्स तो मेन मेन एलिमेंट्स हैं और भी हो सकते हैं एलिमेंट्स तो बट मेन नोटेबल एलिमेंट्स जो स्टूडेंट्स को आई टीजे की रिक्वायरमेंट के लिए याद रखने चाहिए तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर द फॉलोइंग नोटेबल एलिमेंट्स कौन एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम मैग्नीशियम बस दो ही हैं कैल्शियम में भी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है बट दैट इज आल्सो ए वेरी स्मॉल अमाउंट तो इसका मतलब ये हुआ कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में हैं तो एनर्जी रिलीज इज आइदर वेरी वेरी लो और इवन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड तो इन दो केसेस में अब्सॉर्ब्ड होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑल द नोबल गैसेस ऑल नोबल गैसेस मींस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन ये क्या है क्या है एलिमेंट्स एलिमेंट्स विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन गेन इन पॉजिटिव है ये वो एलिमेंट्स हैं ओनली नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फैमिली ऑल द नोबल गैसेज एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बाकी सभी केसेस में कम या ज्यादा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन इन टू द न्यूट्रल एटम तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है अच्छा नोबल गैसेस में क्यों ड्यू टू हाईली स्टेबल फुल्ली फिल्ड ये काट दो Due to highly stable fully filled configuration, delta H E G is positive for noble gases. So due to the highly stable fully filled configuration, delta H E G is positive. Nitrogen kyu? delta H E G is positive. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव अगेन रीजन ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फिगुरेशन हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन सिमिलरली एल्केलाइन अर्थमेटल्स में क्या रीजन दोगे यहां भी फुल्ली फील्ड कॉन्फिगुरेशन है ड्यू टू फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन एस पूरा बढ़ावा ना इस कारण से यू कैन से तो वेर लिया मैग्नीशियम एंड लाइक दैट यू कैन से वैसे मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते बल्कि मेटल्स तो किस लिए फेमस हैं फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एनर्जी तो इवन टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल्स इज नॉट सो मीनिंगफुल मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म इज मोर मीनिंगफुल नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि अभी आएगा बात करेंगे तो नेगेटिव uh, होती है या इलेक्ट्रॉन गेन इन है ओनली नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फैमिली एंड मैग्नीशियम इन दल्केलाइन अर्थ मेटल्स ऑल द नोबल गैसेस लाइक दैट यू शुड रिमेंबर अच्छा ये बात याद रखना ओनली नाइट्रोजन इन न्यूट्रोजन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी दैट मींस एनर्जी इज एब्सॉर्ब तो ये ध्यान रखना है क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड एक्सेप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीआरटी में बढ़िया से यह भी है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते भी हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर द कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स रीजन बाद में देखेंगे पहले क्या पाया गया जनरली तो हमने एक्सेप्शन में क्यों आ रहा है ये क्योंकि आपने पढ़ा था कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन इफिनिटी वैल्यूज घटती हैं तो इसका मतलब एज पर द ट्रेंड थर्ड पीरियड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से इन द सेम ग्रुप बट नहीं ज्यादा पाई गई तो यही बात तो कह रहे हैं यहां पर इसलिए एक्सेप्शन आया कहने का मतलब क्या हुआ जैसे बोरॉन बोरॉन से शुरू हुआ पी ब्लॉक बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ये लो नोबल गैसेस तो वैसे ही पॉजिटिव होती है उनको तो ट्रेंड्स में हम लेते भी नहीं है तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ये एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन तो ध्यान दो क्लोरीन इज मोर देन ये सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये थर्ड पीरियड पी ब्लॉक क्या पाया गया ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिलिटी इज ग्रेटर देन फ्लोरीन सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन फॉस्फोरस इज मोर देन नाइट्रोजन सिलिकॉन इज मोर देन कार्बन एंड एल्यूमिनियम इज मोर देन बोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इ वैल्यूज क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है इनफैक्ट यह भी याद रखना है बहुत ही वाइटल पॉइंट है हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की है क्लोरीन याद रखना है electron, electron किसकी होती है क्लोरीन की तो दूसरा एक्सेप्शन ये था एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन फॉस्फर इज मोर देन नाइट्रोजन इज का रीजन रीजन भी लिखो इट इज ड्यू टू एक्सेप्शनली Small size of second period p block elements. It is due to exceptionally small size of the second period p block elements. When uh, electron is added. A very heavy repulsion is uh, created by existing valence electrons of second period p block elements. टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज हो क्या बात कर रहे हैं हम

एक तरीके से ये हुआ कि जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी रिलीज नहीं हो पाती तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड देन एक्सपेक्टेड सो लेसर एनर्जी इज रिलीज देन एक्सपेक्टेड फॉर सेकेंड पीरियड

जरा मैं एक बात और बता दूं आपको याद रखने वाले पॉइंट्स हैं ये ये एक्सेप्शन तो हो गया बट ये वाइटल पॉइंट्स हैं ओ इन ऑक्सीजन फैमिली और कैल्कोजन्स हैज स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑक्सीजन इन कैल्कोजन्स या चैल्कोजन्स हैज स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इनफैक्ट ये ट्रेंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सल्फर हैज द हाइएस्ट वैल्यू फॉलोड बाई यू से ऑक्सीजन लोएस्ट है सल्फर सेलिनियम टेल्यूरियम पोलोनियम एंड देन लिस्ट इज ऑक्सीजन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू अच्छा सिमिलरली हाइलोजन से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉन मेटल्स से तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा शो करते हैं टू गेन स्टेबल कॉन्फिग्रेशन लाइक सिचुएशन तो जैसे क्लोरीन हाइएस्ट है देन फ्लोरिन एंड देन ब्रोमीन आयोडीन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन इफिनिटी वैल्यूज तो ये थे मेजर एक्सेप्शन ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं आई आई टी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड नॉट ओनली दैट फॉर नीट आल्सो नीट में कई बार क्वेश्चन आते हैं फैक्ट बेस्ड और ये फैक्ट बेस्ड चीजें हैं तो यू शुड रिमेंबर सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीटिव है बट दिसेट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन थेटिव है बट दिस इज द ट्रेंड हेलोजन में भी सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन गेन थे बट दिस इज द ट्रेंड ये शुड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट अच्छा एक और फैक्टुअल पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार क्वेश्चंस में आईआईटी में इवन एनसीआरटी में एक क्वेश्चन है पीछे जो एक्सरसाइज होती है पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में कि क्रॉस में उन्होंने कंपैरिजन कराया है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन uh, एफिनिटी के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेरिजन जैसे आ, अगर हम कंपेयर करवाएं तो आ, जैसे मान लो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यही मेन एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर क्लोरीन तो कैसे कंपेयर करें अब ये बात तो क्लियर है क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन स इज मोर देन नाइट्रोजन क्योंकि थर्ड पीरियड वालों की सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ तो एक काम करो क्रॉस में चेक करने का एक तरीका है आप क्लोरीन हाईएस्ट हाईएस्ट से शुरुआत करो देखो सुनो ध्यान से क्या बात बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये. से शुरुआत करो ये की शुरुआत उसके बाद एन बना लो उल्टा या सीता जैसा बन रहा हो यह बना लिया क्लोरिन से हाइएस्ट वाले से शुरुआत करनी है और एन बनाओ बना दिया एन क्लोरीन इज मोर देन क्लोरिन और एन बनाया वापस से एन बनाते चलो बट नाइट्रोजन से एन नहीं निकाल सकते क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन फ्लोरीन इज मोर देन सल्फर सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज मोर देन फॉस्फोरस फॉसफर इज मोर देन नाइट्रोजन बट नाइट्रोजन इज नॉट मोर देन सिलिकॉन क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इनफैक्ट नेगेटिव है फॉस्फोरस की थोड़ी बहुत पॉजिटिव है तो सही बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या है नेगेटिव तो फिर यहां से मत निकालो एन तो बना नहीं है सिलिकॉन इज मोर देन कार्बन कार्बन इज मोर देन एल्यूमिनियम एल्यूमिन इज मोर बोरॉन दिस इज अफ कंपेरिजन बट सिलिकॉन इज मोर देन नाइट्रोजन इनफैक्ट सिलिकॉन इज ऑल्सो मोर देन फॉस्फोरस जहां से एरो निकल रहा है उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और जहां पर एरो जा रहा है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखें सभी स्टूडेंट्स एन सी आर टी में क्वेश्चन हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर ये याद ना होगा तो ना हो पाएंगे क्वेश्चन आपसे तो यू हैव टू रिमेंबर सो लाइक दैट यू कैन से तो यू कैन से यहां से क्या बोलते हैं ट्रेंड्स नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉट ओनली दैट बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो लाइक दैट यू से नॉट ओनली दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मिस कर गया आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरी इंपॉर्टेंट करके वहां भी आप क्रॉस में चेक कर सकते हैं कैसे फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी में भी क्रॉस में अगर कंपेरिजन करना हो तो याद रखने का एक तरीका है ये याद रखने का एक तरीका है जो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एरो नहीं निकाल सकते सिलिकॉन की तरफ क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है और सिलिकॉन की क्या है पॉजिटिव तो यह तरीका था याद करने का ऐसी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं जैसे बता रहा हूं वैसे देखो जैसे बात करेंगे लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड uh, मान लो नियॉन आर्गन लिथियम बता ले लो बेरिलियम तक लेते हैं बाद में ट्रेंड्स फिट नहीं बैठते तो uh, आर्गन uh, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हियर यू से सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अब आपको पता है लेफ्ट से राइट right जाने पर आयोन एनर्जीज बढ़ती हैं। तो नियॉन इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल अब नियोन से एरो निकालो और जेड बनाओ उल्टा या सीधा जैसा भी जेड बनता हो ये जेड बनाए नियॉन इज मोर देन फ्लोरीन इज मोर देन आर्गन अगर आपको आर्गन और फ्लोरीन से कंपैरिजन करना होता तो आप कंपैरिजन कर ही ना पाते अगर ये बात पता ना हो आपको तो नियॉन से एरो निकाल लो हाइएस्ट वाले से फ्लोरिन की तरफ और फिर जेड बनाते चलो बना लिया जेड फिर फ्लोरिन से एरो निकालो जेड बनाते चलो फिर ऑक्सीजन से एरो मत निकालना क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट मोर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन से एरो निकालो क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है तो नाइट एरो का डायरेक्शन देख रहा हो तुम यहां ऐसे था ये उल्टा जेड और यहां कौन सा जेड हो गया ये सीधा जेड नाइट्रोजन से एरो लेफ्ट में भी निकालो और राइट right में भी निकालो क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन तो ये एरो निकाले हमने कार्बन इज़ मोर देन बट बोरॉन इज नॉट मोर देन बेरिलियम यू नो बेरिलियम में पेनिट्रेशन पार्ट ज्यादा थी एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू सेम शेल पी ऑर्बिटल तो बेरिलियम से एरो निकाल करके यू कैन डू इट एरो समझ में आ रहे हैं इसको ध्यान रखना है इसको ध्यान रखना है शुरुआत किससे करनी है नियॉन से नियॉन इज मोर देन फ्लोरीन और इस तरीके से लेते चलो बट नाइट्रोजन से दोनों तरफ एरो निकालने सो लाइक दैट यू कैन कंपेयर द आयोजन एनर्जी इससे अगर देखूं तो आई विल बी एबल टू कंपेयर व्हाट आयोनाइ एनर्जी के ट्रेंड्स में जरा कंपेयर करो तो कैसे बोल दूंगे तो वी कैन से दैट

understood hai. so like that you have to say i hope you have understood the point but nitrogen is more than oxygen oxygen is more than phosphorus phosphorus is more than sulfur similarly nitrogen is more than oxygen phosphorus sulfur so like that you have to say decreasing i one to ye exceptions ye the main points about the electron affinity and this was the point i skipped मेरे से रह गया ये पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी में बताने के लिए तो मैंने यहां मुझे इस लगा कि इस बता देना चाहिए तो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड ऑल इंपॉर्टेंट एंड वन मोर पॉइंट द लास्ट पॉइंट वो हम इसी में लिख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई लेना देना नहीं है आयोनाइजेशन का मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन बट फिर भी कभी कभी डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और चूंकि पहले पूछे गए हैं भरोसा कुछ नहीं है इनका आई वालों का खासकर आई मेन का आई आई टी जेई मेन है ना कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है और अच्छे से अच्छा स्टूडेंट्स भी लॉजिकली तो सब कर लेते हैं वो बट फैक्चुअल क्वेश्चन में कई बार अटक जाते हैं फैक्चुअल को पॉइंट का तो ऐसा है कि फैक्ट पता होगा तो यू विल बी एबल टू तो डू इन तो तो द एग्जाम अदरवाइज यू विल हैव टू क्विट और यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन तो क्या पॉइंट है Uh, जो आयोनाइेशन एनर्जी है ना सबसे कम किसकी है बताओ सीजियम की अच्छा किसकी किसकी है है हीलियम की affinity, की है? की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन लोएस्ट किन होंगी लोएस्ट नोबल गैसेस की होंगी बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी और नेग्लिजेबल टेंडेंसी और इवन लिटिल टेंडेंसी नॉन लिटिल भी नहीं नहींगलिजेबल टेंडेंसी या नो टेंडेंसी टू एड इलेक्ट्रॉन वहां तो एनर्जी अब्जॉर्व हो जाती है कहने का मतलब यह हुआ हाईएस्ट से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन की है इवन दैट मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट पता ही है कौन सीजियम इज इवन Smaller the smallest value of ionization energy of is even greater smaller knee greater than the highest value of electron affinity of an element or carnivore chlorine atom.

कुल मिलाकर के आयोइशियल एनर्जीज की वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होती है एनर्जीज़ रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन इवन एनर्जीज रिमूव और इलेक्ट्रॉन, इज एडेड बड़ा इंपॉर्टेंट था हो गया, बस ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ओवर एप्लीकेशन में एक आध पॉइंट लिख लो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज यूज In calculation of electronegativity of an element using copper using Millikan's scale. मिलीक के स्केल में इसका यूज आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अच्छा सेकेंड एप्लीकेशन ये यूजफुल है एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली नॉन मेटल्स है जनरली नॉन मेटल्स लाइक हैलोजेंस कैल्कोजन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन इफिनिटी वैल्यूज हाइएस्ट क्लोरिन के लिए यह आपको पता है नॉट फ्लोरिन क्लोरीन क्लोरीन की हाइएस्ट है नॉट फ्लोरीन अच्छा यह बात ध्यान रखना है कि जनरली इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी ज्यादा होगी तो इसके मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वुड बी मोर हाइएस्ट या हाई बेलो हाई Electron affinity of an element, high electron affinity of an element uh, uh, represents high tendency to gain electron and therefore.

Cl2 is expected to be the most powerful oxidizing element in periodic table pt periodic table however the fact is that uh, fluorine is the most powerful uh, oxidizing el element उवर नोट दैट एफ टू इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन एंटायर प्रियोडिक टेबल तो पूरी प्रियोडिक टेबल में एफ टू इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट और उसका रीजन है ऑक्सीडाइजिंग पार ऑफ़ हालांकि ये सब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ते हो वहां डिफाइन भी करते हैं इनके कि एसआरपी के बेसिस पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर तो अभी तो खैर हम पॉइंट याद कर लेते हैं तो हाइएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एफ टू इज ड्यू टू मेनली high hydration enthalpy high hydration enthalpy or energy of small f minus ion and low bond dissociation energy ऑफ एफ टू बॉन्ड एनर्जी का ऐसा ऑर्डर होता है सी एल टू इज ग्रेटर दैन बी आर टू ग्रेटर दैन एफ टू ग्रेटर आई टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इस बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बी मतलब बॉन्ड एनर्जी बी मतलब बॉन्ड एनर्जी तो डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर है तो F2 की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट नहीं है भले छोटे एटम है केमिकल बॉन्डिंग में आप ये बात पढ़ोगे कि जितने छोटे एटम्स आपस में ओवरलैप करके छोटा बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड विल बी स्ट्रॉगर बट हियर सम अदर रीजन इज देयर यू विल लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग तो F2 की बॉन्ड एनर्जी कम है दिस इज वन रीजन बट द मेजर रीजन इज द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द स्मॉल एफ माइनस आयन क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन जनरली अकर्स इन द सॉल्यूशन फेज F2X is a very good oxidizing agent, uh, most powerful oxidizing element, mostly in the uh, solution phase reactions. So like that you do. Ye hua third periodic property is complete now. That is electron affinity or electron gain enthalpy. Up the last fourth uh, jo property here, electronegativity, we will take up in the next video lecture. That's it for now.